भारत के बड़े दयालु हदे से खुश हुआ ईरान। रूस के बाद ईरान देने जा रहा भारत को गोल्डन ऑफर। दुनिया को एक तरफ रख, भारत होगा मालामाल। भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान की नौसेना, डाल दिया भारत की ओर डेरा। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट फोर पर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध का किसी देश को फायदा हुआ है तो वह भारत है, क्योंकि दोस्तों इस युद्ध की वजह से भारत का दोस्त रूस भारत के लिए एक ऐसे ऑफर को दे चुका है जिसने भारत को बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाया है। रूस के ऑफर की वजह से भारत को बड़ी तादाद के अंदर विदेशी मुद्रा बचाने का मौका मिला है। साथ ही साथ भारत के निर्दय रवैये की वजह से रूस को भी भारी फायदा पहुंचा है। जी हाँ, हम भारत और रूस के बीच उस डील की बात कर रहे हैं जो दुनिया को चुभ रही है, लेकिन दोनों देशों के बीच किसी स्वर्णिम युग से कम नहीं है। हम बात कर रहे हैं दोनों देशों के बीच क्रूड ऑयल डील की, जहां पर उसने भारत को सस्ते में अपना तेल देने का ऑफर दिया था और भारत ने भी रिकॉर्ड स्तर पर रूस के साथ तेल खरीदा है। लेकिन दोस्तों, भारत को अब रूस के बाद ईरान की ओर से भी ऐसा ही एक गोल्डन ऑफर मिल गया है। अब ईरान भी भारत की शरण में आ गया है और अपना सब कुछ देने को तैयार है। जी हां, आपको पूरी डिटेल्स इस खबर के बारे में बताएंगे। इस ऑफर की वजह से न केवल भारत को विदेशी मुद्रा बचाने में राहत मिलेगी, बल्कि देश के अंदर आम लोगों को भी राहत मिलने वाली है, क्योंकि अगर ईरान से भी रूस की तरह सस्ते तेल में आयात शुरू हो गया तो तेल के दाम घटना तय है। दोस्तों, पिछले एक महीने में भारत और ईरान के बीच 3 बार आधिकारिक स्तर की वार्ता हो चुकी है और इन सभी वार्ताओं में ईरान के अधिकारियों ने भारत से एक ही आग्रह किया है। आगे यह है कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को नजरअंदाज कर भारत अभी भी रूस से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, वैसे ही वह ईरान से भी तेल खरीदे। इसके बदले ईरान भारत को तेल खरीद में वो सारी सहूलियतें देगा जो रूस दे रहा है। वैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान को तेल निर्यात करने की छूट देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन भारत ने अभी ईरान से इस तरह का कोई पक्का वादा नहीं किया है। ईरान और भारत के बीच चल रही वार्ताओं की जानकारी रखने वाले राजनयिक सूत्रों ने बताया कि भारत ने हाल ही के महीनों में जिस तरह से ईरान से संवाद को तेज किया है, उससे तेहरान काफी उत्साहित है। जून माह में ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहिया पहले नई दिल्ली की यात्रा पर आए, उसके बाद उप विदेश मंत्री मेहदी सफारी ने भारत का दौरा किया और अब विदेश सचिव विनय क्वात्रा की ईरान के राजनीतिक मामलों के उप मंत्री डॉक्टर अली बागेरी कानी से बात हुई है। इन तीनों वार्ताओं में 2 मुद्दों पर सबसे ज्यादा बात हुई है। एक तो चाबहार पोर्ट से जुड़ी परियोजना को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए और दूसरा ऊर्जा कारोबार को किस तरह से पटरी पर लाया जाए। जून माह में अपने यूरोपीय दौरे पर विदेश मंत्री जयशंकर ने एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में कहा था कि ईरान और वेनेजुएला को तेल आपूर्ति करने की मंजूरी क्यों नहीं दी जा रही है। किसी बड़े देश के विदेश मंत्री की तरफ से ईरान को इस तरह का समर्थन हाल ही के दिनों में नहीं मिला है। जयशंकर के इस बयान के बाद कुछ यूरोपीय देशों की तरफ से ईरान के समर्थन में आवाज उठी है। यूरोपीय देश रूस से तेल व गैस की आपूर्ति बाधित होने की आशंका देख परेशान है। यह खबर भी आ रही है कि राष्ट्रपति बाइडेन की जल्दी होने वाली खाड़ी क्षेत्र की वार्ता के बाद ईरान के साथ परमाणु संयंत्र नियंत्रण को लेकर वार्ता भी शुरू हो सकती है। सनद रहे कि वर्ष 2018 में और 19 में अमेरिका के नेतृत्व में ईरान पर प्रतिबंध लगाया गया। उसके पहले तक भारत ईरान के सबसे बड़े तेल खरीदार देशों में से एक रहा है। भारत ने वर्ष 2019 के बाद ईरान से क्रूड ऑयल खरीदना बंद कर दिया है। भारत जैसा बड़ा तेल खरीदार देश अगर फिर लौटता है तो ईरान की इकोनॉमी के लिए काफी सकारात्मक होगा। चलिए दोस्तों, यह तो थी पहली खबर। अब दोस्तों, भारत को यहां पर क्या फायदा मिलने वाला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने रविवार को संघाई तट के समीप अपना सी गार्जियन अभ्यास शुरू कर दिया है। समुद्री सुरक्षा खतरों से संयुक्त रूप से निपटने के लिए दोनों देशों ने अपने नए अत्यंत उन्नत नौसैनिक पोत और लड़ाकू जेट तैनात किए हैं। हिंद महासागर में भारत के समीप दोनों की नौसेना ने अपना सहयोग बढ़ा दिया है। पीएलए नौसेना के प्रवक्ता कैप्टन लीऊ वेनसेंग ने कहा कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नौसेना और पाकिस्तानी नौसेना संघाई तट के समीप संयुक्त रूप से समुद्री और हवाई क्षेत्र में अभ्यास करेगी। दोनों नौसेनाओं ने रविवार को सी गार्जियन के दूसरे संस्करण का आरंभ किया।
गौरतलब है कि भारत के पश्चिम में स्थित अरब सागर क्षेत्र रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। कांडला, ओखा, मुंबई, मार्मुगांव, न्यू मैंगलोर और कोची जैसे बड़े भारतीय बंदरगाह इसके तट पर स्थित है। अरब सागर पाकिस्तान के लिए हिंद महासागर का द्वार है। चीन के लिए हिंद महासागर में हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहे जाने वाले जिबूती में अपना अड्डा बना रखा है। इसके अलावा अरब सागर में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में द्वीपीय देश श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल की लीज पर हासिल कर उसका विकास कर रहा है। यह अभ्यास 10 से 13 जुलाई तक संघाई के आसपास समुद्री और हवाई क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान दोनों पक्ष युद्ध योजना, पेशेवर और तकनीकी आदान प्रदान, सांस्कृतिक और खेल प्रतियोगिता जैसी बंदरगाह और तटीय गतिविधियों का आयोजन करेंगे। साथ ही संयुक्त समुद्री हमले, संयुक्त सामरिक युद्धाभ्यास, संयुक्त पनडुब्बी रोधी, संयुक्त आपूर्ति, क्षतिग्रस्त जहाजों का संयुक्त समर्थन और संयुक्त वायु और मिसाइल रक्षा आदि समुद्री अभ्यास करेंगे। बता दें कि सी गार्जियन संयुक्त समुद्री अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच सी गार्जियन अभ्यास की श्रृंखला में दूसरा अभ्यास है। जनवरी 2020 में दोनों पक्षों ने उत्तरी अरब सागर में सी गार्जियन 2020 नामक संयुक्त अभ्यास का आयोजन किया, जिसमें संयुक्त समुद्री अभ्यास के लिए नए तरीके तलाशे गए थे। ऐसे में दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्या कहना है आपका इस खबर पर? डिफेंस से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।